हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत जय हिंद स्वागत है आप सभी का टेस्ट के ऑफिशियल पर दिस इज अवस्थी एंड गाइस सुबह को बज गई है इन द मॉर्निंग और आप सभी जानते हैं कि सुबह छह बजे हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है सो so, टेक्स बुक के डिफेंस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं और अभी जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो करंट अफेयर का पार्ट नंबर सिक्स ठीक है करंट अफेयर का पार्ट नंबर सिक्स हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो भाई सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाए सेशन को शेयर कर दें और सेशन जो काफी इम्पोर्टेंट है राइट right, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है ना डिस्कशन करते हैं सो गुड मॉर्निंग जमेंद्र कुमार जी कैसे हैं आप वेरी गुड मॉर्निंग जमिंद्र कुमार जी तो जमेंद्र जी मैं बिल्कुल यहाँ पे कहूँगा आपसे कि एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए राइट right, सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से और सेशन को शेयर करने से क्या होगा कि भाई सभी को पता चल जाएगा कि क्लास जो है ना स्टार्ट हो चुकी है राइट right? सो so, यहाँ पर देखो मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ राइट right? मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ आप भी कर दीजिए और आज जो है ना ये हमारा ट्वेल्थ मंथ का जो करंट अफेयर चल रहा था उसका जो प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे सो so, उस प्रैक्टिस सेट का हम पार्ट नंबर सिक्स डिस्कशन करने वाले हैं राइट right? भाग नंबर छः हम डिस्कशन करने वाले हैं और इस पार्ट नंबर सिक्स में हम और भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज हैं उनके बारे में जानेंगे ठीक है चलिए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले देखिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए राइट गाइज टेलीग्राम चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपको यहाँ पर आ, सारे के सारे वीडियोस का लिंक वगैरह आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा ठीक है डेली वाई सेशन का डिस्कशन अगर आप मेरे से इंट्रैक्शन करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ओके तो गाइज चलिए शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए आज के सेशन को और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सी एस आई आर एन जी आर आई इन विच सिटी इज सी एस आई आर एन जी आर आई लोकेटेड केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय और सी एस आई आर एन जी आर आई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए राइट सी एस आई आर एन जी आर आई किस शहर में स्थित है पुणे हैदराबाद कोलकाता और नई दिल्ली राइट कहां पर स्थित है यह आपको बताना है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कहां पर स्थित है इंस्टीट्यूट जमेंद्र कुमार जी आंसर करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसके अगर हम सही आंसर को देखें गाइस तो राइट आंसर यहाँ पर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहाँ पर जो है ना इसका कहला जाएगा हैदराबाद ठीक है हैदराबाद इसका राइट आंसर कहला जाएगा जो सी एस आई आर एनजीआर आई है ये एक्चुअल में कहां पे लोकेटेड है इट इज लोकेटेड एट हैदराबाद ठीक है ये हैदराबाद में लोकेटेड है और गाइज यहाँ पर आप देखें तो ये जो है ना हैदराबाद वाला काफी इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडर एग्रीमेंट क्योंकि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ठीक है सी एस आई आर एन जी आर आई इनके बीच में जो है ना ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और ये साइन किया गया है फॉर द यूज ऑफ एडवांस्ड हैलीबोम जियो फिजिकल सर्वे और जो अदर साइंटिफिक स्टडीज हैं राइट स्टेट की राजस्थान गुजरात और हरियाणा की अंडर द एक्विफायर मैपिंग प्रोग्राम ठीक है तो आ, दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने डिसाइड किया था यूज करना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वाईफायर इन सच अ लार्ज arid और सेमी arid एरिया ऑफ द कंट्री राजस्थान में arid एरिया है ना जिसको अपन शुष्क एरिया कहते हैं आगे देखिए वेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है यह आपको बताना है गाइस वेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो भाई जल्दी से यहां पर जमेंद्र जी बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा दस जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल दस जनवरी के दिन दस जनवरी को दिन वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे कब करता है एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस राइट यहां पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस राइट ये जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ना इसको कामोमरेट करता है राइट right? कहां पे हुआ था ये 10 जनवरी 1975 को हुआ था दस जनवरी 1975 को और यह हुआ था नागपुर में ठीक है दस जनवरी 1975 को यह नागपुर में हुआ था और कॉन्फ्रेंस को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था फिर वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाना कब से शुरू किया गया साल 2006 से साल 2006 से वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाना स्टार्ट किया गया और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जब वर्ल्ड हिंदी डे जो है ना सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट किया गया आगे देखिए इन जनवरी 2021 खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइजेड जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जम्मू श्रीनगर गुरुग्राम और कारगिल कहाँ पे किया गया है गाइस ये आपको बताना है कहां पे किया गया है तो गाइस आंसर करते चलो सभी लोग आंसर करते हैं चलो जो लोग यहां पर जुड़े हैं और वीडियो को लाइक करके एटलीस्ट अट अटेंडेंस तो मार्क कर दो अपनी सो so, इसका अगर हम राइट आंसर देखें क्या कहला जाएगा गाइस राइट आंसर यहां पर जो है ना ये कहला जाएगा कारगिल ठीक है 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और ये आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था सो गैस, ये कारगिल में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और अगर आप यहाँ पे कारगिल की बात करें सो जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये चिकतान चिकतान नाम का एक प्लेस है कारगिल में चिकतान नाम का एक प्लेस है कारगिल में जहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है पे चिकतान नामक प्लेस कारगिल में अच्छा कारगिल लद्दाख वाली रीजन में आता है फिर एस जिनको आ, साकार चिकतान जो चीफ गेस्ट थे इवेंट के राइट आगे बढ़े सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी खेलो इंडिया फर्स्ट जस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल बिगिन इन जनवरी 2021 जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया का पहला जस्कर शीत खेल उत्सव शुरू हुआ पंजाब लद्दाख हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर पे शुरू हुआ ये आपको बताना है राइट तो इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे ना सो दिस इज व्हाट बी कॉल्ड एज कहां पे स्टार्ट हुआ सो so, ये स्टार्ट हुआ था लद्दाख में ठीक है कहां पे स्टार्ट हुआ था लद्दाख में स्टार्ट हुआ था और गाइस आप सभी जानते हैं कि Uh, जो मतलब विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल है अठारह जनवरी दो हजार इक्कीस से इसकी ओपनिंग हुई थी और एंगेजिंग द यूथ ओपनिंग द न्यू विस्टासम जसकर रेंज में इसका जो है ना फेस्टिवल का मेन एम रखा गया था आगे देखिए गाइस इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वॉज स्टेबल इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है फ्लोटिंग का मतलब होता है पानी में तैरता हुआ राइट right फ्लोटिंग का मतलब होता है पानी में तैरता हुआ है ना पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया केरला लक्षद्वीप वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर तो गई राइट आंसर इसका अगर आप देखें तो कहला जाएगा जम्मू एंड कश्मीर ठीक है इंडिया का जो पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये जम्मू कश्मीर स्टेबल हुआ था और डल लेक डल लेक जिसको डल झील कहा गया ये डल झील कहां पर है सो इट इज सिचुएटेड एट श्रीनगर राइट डल झील श्रीनगर में ये स्थित है यहां पे जो है ना इसे स्थापित किया गया द यूनियन बजट 2021 ट्वेंटी वन अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन केंद्रीय बजट 2021 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई लद्दाख जम्मू पंजाब और हरियाणा ठीक है केंद्रीय बजट 2021 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना का जो अनाउंसमेंट है ये कहाँ पे किया गया था सो so सुखाइज ये किया गया था आपका लद्दाख में राइट लद्दाख में इसको किया गया था और आप सभी जानते हैं कि लेह में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाना है और नई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस यूनियन टेरिटरी में हायर एजुकेशन को प्रमोट करेगी और गाइज यहाँ पे न्यूली फॉर्म जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लद्दाख में इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा एजुकेशन सेक्टर में इसके अलावा यहाँ पे 100 नए सैनिक स्कूल के फॉर्मेशन की बात कही गई थी और 15,000 से ज्यादा स्कूल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको बनाया जाना है न्यूजीलैंड हैज डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी एंड प्रोमाइज टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाई विच ईयर न्यूजीलैंड ने वायु जलवायु आपातकाल घोषित किया है और किस वर्ष तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है 2022, 2025, 2027 और 2030 किस वर्ष तक जो है ना इसने कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है तो गाइज राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा 2025 कहला जाएगा न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी और प्रॉमिस किया है कि इसके जो पब्लिक सेक्टर कार्बन है ये 2025 तक न्यूट्रल हो जाए न्यूजीलैंड ने 32 अदर कंट्री जैसे जापान कनाडा फ्रांस ब्रिटेन इन सब ने भी अपने देश में जो है ना क्लाइमेट इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया था राइट और कैपिटल अगर आप न्यूजीलैंड की देखें तो वेलिंगटन कहला जाएगी न्यूजीलैंडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है और यहां पे जो है ना रग सबसे ज्यादा खेला जाता है आगे देखिए मोबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज रिलीज बाई ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था यह किसके द्वारा जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा इसको जारी किया गया था यह आपको बताना है तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका राइट right आंसर कहला जाएगा ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 को ठीक है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जो है ना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि जिसे हम विश्व आर्थिक मंच कहते हैं तो इस विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यहाँ पर ये यह जो पर्टिकुलर वो है ना तो इसे अनाउंस किया गया मतलब इसे यहां पर जो है ना पब्लिश किया गया द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एट सादिकपुर सिनौली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट हैज बीन डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाई द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं बागपत अमरोहा देवरिया और पीलीभीत तो गाइस इसका अगर आप राइट आंसर तो क्या कहला जाएगा इसका सही उत्तर कहला जाएगा बागपत ठीक है बागपत इसका राइट आंसर कहला जाएगा और जब हम यहां पे बागपत की बात करते हैं गाइस तो बागपत आप सभी जानते हैं कि जो है ना ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो रिमेन है सादिकपुर उत्तर प्रदेश में बागपत डिस्ट्रिक्ट में तो इनको डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द सेकंड एडिशन ऑफ आर लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2021 ट्वेंटी वन एन लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2021 के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक बंगाल तमिलनाडु और मध्य प्रदेश तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश ने टॉप किया है जो सेकंड एडिशन था एनसीआर लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स का राइट और लगभग यहां पर आप देखें तो मध्य प्रदेश में जो है ना ये इंडेक्स मतलब अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश नंबर वन में था ठीक है मध्य प्रदेश यहां पर जो है ना शीर्ष स्थान प्राप्त किया था विच मिनिस्ट्री हैज द सुगम्य भारत ऐप इन मार्च 2021 March 2021 मार्च में किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राइट किसके द्वारा यहां पर जो है ना इसे डेवलप किया गया यह आपको बताना है तो गाइस राइट आंसर आप यहां पर देखें उसको क्या कहला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका राइट आंसर कहला जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ठीक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इनके द्वारा जो है ना सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और जो थावरचंद गहलोत जी हैं ये जो है ना तो उस समय पर क्या रहे हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रहे हैं हु वन द गोल्ड मेडल इन द ट्वेंटी ट्वेंटी वन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एट अल ऐन इन द यू एन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन इक्कीस मार्च दो हजार इक्कीस को यू ए ई में अल एन में दो हजार इक्कीस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड में स्वर्ण पदक किसने जीता सिंहराज भीमराव कासेरकर मुरलीकांत पीटकर और वरुण सिंह भाटी तो गाइज यहां पर आप देखें राइट आंसर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा सिंहराज ठीक है सिंहराज इसका राइट आंसर कहला जाएगा सिंहराज ने डिफीट किया था उज्बेकिस्तान के सर्वर इब्राहिमो को द इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इज ओपन एट भारत का पहला परागणकर्ता पार्क पर खोला गया है गुजरात महाराष्ट्र उत्तराखंड और गोवा कहां पे ओपन किया गया है यह आपको बताना है तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा राइट right आंसर कहला जाएगा यहां पर उत्तराखंड ठीक है पहला जो पॉलिनेटर पार्क है ये उत्तराखंड में ओपन किया गया है और जो उत्तराखंड में एक प्लेस आता है जिसे हल्दवानी कहते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सो so, 29 दिसंबर 2020 को इसका जो है ना वहां पे इनोग्रेशन किया गया था विच स्टेट हैज फर्स्ट एडॉप्टेड द बायोमेट्रिक सिस्टम अंडर द मनरेग्स मनरेगा के तहत किस राज्य में सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया है मध्य प्रदेश कर्नाटक राजस्थान और झारखंड ठीक है मनरेगा के तहत मनरेगा के तहत किसने अपनाया है ये आपको बताना है तो गाइज यहां पे जल्दी से आंसर करिए एटलीस्ट ठीक है जमेंद्र जी सो so, किसने अपनाया है ये आपको बताना है राइट right? ये आपको बताना है इसका जब हम सही उत्तर देखें तो राइट right आंसर क्या कहला जाएगा झारखंड ठीक है मनरेगा का मतलब क्या होता है मनरेगा को कहा जाता है महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी सिस्टम ठीक है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी सिस्टम ये मनरेगा कहला जाएगा तो अटेंडेंस वाला सिस्टम जो मनरेगा के तहत है झारखंड ने सबसे पहले शुरू किया विच टू वेस्ट एशियन कंट्री एस्टैब्लिश द फॉर्मर रिलेशन विथ इसराइल इन 2020 2020 में इसराइल के साथ किन दो पश्चिम एशियाई देशों ने औपचारिक संबंध स्थापित किए यूएई कुवैत यूएई सऊदी अरेबिया यूएई सोडान और यूएई बहरीन किसने यहां पर जो है ना औपचारिक संबंध स्थापित किए हैं तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा यूएई और बहरीन राइट यूनाइटेड अरब एमीरेट और बहरीन जो है ना इन्होंने इसराइल के साथ में जो है ना फॉर्मल फॉर्मल यानी औपचारिक रिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं तो गाइस टेक्स्ट बुक पास की हम यहां पे बात कर लेते हैं देखिए क्या होता है कि कोई भी एग्जाम दिया जाना हो राइट कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम देना है है ना तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या हो जाती है यहाँ पे सबसे जो जरूरी बात हो जाती है ना वो ये होती है कि एग्जेक्टली exactly वो जो एग्जाम है उसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है राइट right? प्रैक्टिस और हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि ये हम तब पता लगा पाएंगे जब हम मॉक टेस्ट देंगे और ये ऐसा वैसा मॉक टेस्ट नहीं मॉक टेस्ट जब हम यहां पर लाखों लोगों के बीच में देंगे राइट लाखों लोगों के बीच में जब मॉक टेस्ट देंगे तब पता चलेगा है ना तो गाइस टेस्टबुक बुक पास जो है ना टेस्टबुक बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लगभग 13.6 पॉइंट स्टूडेंट हमेशा ऑलवेज एक्टिव होते हैं राइट और ये लगभग फाइव प्लस एग्जाम्स को कवर करता है 37,000 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक लिया है सो वेल एंड गुड अगर नहीं लिया है तो बिल्कुल ले लीजिए इस क्लास के जरिए मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन भी ऑफर करता हूं आर टी ए पी एस एस आर टी ए पास नामक ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आर टी ए पास नामक कूपन कोड से आपको जो है ना दस परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा ठीक है Even, अभी अगर हम देखें राइट फ्लैश सेल चल रहा है राइट ना मॉक टेस्ट इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है अब अगर हम बात करें लिंक जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ये कहां पर रहता है सो so गाइज लिंक जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो यहां पर रहता है राइट ठीक है ये जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है ना आ, मतलब आपको पेज दिखाई पड़ रहा होगा राइट ये आपको पेज दिखाई पड़ रहा होगा और जब आप इस पर्टिकुलर पेज पर आएंगे ना तो जैसे ये अभी वीडियो चल रहा है इस वीडियो में अगर आप देखें सो यहाँ पे मेरे मास्टर क्लास की लिंक दी हुई है जो भी मास्टर क्लासेज होती हैं मास्टर क्लासेज में भी लोगों को ये बैचेस दिए जाते हैं टेक्स्ट बुक डिफेंस चैनल की लिंक यहां पर दी गई है राइट और गाइज इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें तो ये जो लिंक दी गई है लिंक डॉट टेक्स बुक डॉट कॉम इसे जब आप ओपन करेंगे तो एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा राइट इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा और इस पर्टिकुलर पेज में आपको जब साइड वाले पोर्शन में आप देखेंगे राइट साइड वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको जो है ना ये कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा ठीक है कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जो है ना आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं ये लिंक अभी ओपन नहीं हो रही है तो गाइज ये लिंक अभी ओपन नहीं हो रही है ठीक है तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ कई बार मैंने आपको बताया है ठीक है कहाँ पे आपको जो है ना आर पास वाला जो पर्टिकुलर पोर्सन है वो अप्लाई करना है ठीक है तो ये देखिए लिंक कुछ इस तरीके से ओपन होती है और जब आप यहां पर आएंगे तो गाइज ये आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलते हैं है ना ये जो ऑप्शन दिया गया है अप्लाई कूपन कोड इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके से जो है ना पॉपअप ओपन होगा यहां पर आपको लिखना है आर टी ए पी ए एस एस ठीक है आपने आर टी ए पास अप्लाई किया आ, अप्लाई कर दिया तो गाइज आर टी ए पास अप्लाई करने के बाद जो है ना ये आपको यहां पर क्या मिल जाएंगे कूपन कोड देखिए ये सात हजार दो सौ का जो लाइफ टाइम टेक्सट बुक पास है जस्ट मिलता है आपको रुपीज फाइव फोर्टी में राइट फोर्टीन मंथ का जो पास है ये आपको, right? आपको मिलता है थ्री सिक्सटी में राइट मंथली टेस्ट बुक पास आपको मिलता है टू सेवेंटी में ठीक है सो इस तरह से पर्टिकुलर जो है ना ऑप्शन आपको मिल जाते हैं सो अगर आपके पास नहीं है तो डील जरूर ग्रैप करिएगा बिकॉज दैट इज समथिंग जिससे जो है ना आप एग्जाम को बहुत अच्छे से जो है ना क्लियर कर पाएंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोविंग डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिन मशीन पिस्तौल ए एस एम आई निम्नलिखित में से किसने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ए एस एम आई विकसित की है आन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड डी आर डी ओ हाल और प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड राइट किसके द्वारा डेवलप की गई है यह आपको बताना है तो गाइज इसका राइट right आंसर अगर आप देखें सो चूंकि डिफेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट है तो डिफेंस रिलेटेड मैक्सिमम डेवलपमेंट कौन करता है डी जिसे कहा जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट डी जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सो तो डी के द्वारा ये जो ए पिस्टल है ना इसे बनाया गया है ठीक है ए पिस्टल को यहाँ पे बनाया गया है वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व एवरी ईयर हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है इसका अगर आप सही उत्तर देखें तो गाइज राइट आंसर क्या कहला जाएगा सोलह मई ठीक है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल सोलह मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है राइट सिक्सटीन ऑफ मे को जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है 16 मई को यूनेस्को के द्वारा वो किया गया था और ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है जो रोल था लाइट का प्ले करता है साइंस कल्चर आर्ट एजुकेशन वगैरह में गुड मॉर्निंग जी कैसे हैं आप तो सुबह छह बजे क्लास अपना डेली यहां पर सेशन होता है और गाइज ये जो अपना सेशन डेली होता है सो इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी लोगों को जुड़ना चाहिए क्योंकि जैसे अपन खाना रोज रोज खाते हैं तभी जाकर के हम Uh, जो है ना एनर्जेटिक रहते हैं उसी तरह से करंट अफेयर आपको डेली डेली पढ़ना पड़ेगा तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे सो so, पंडित राजन मिश्रा पास डबे इन अप्रैल 2021। ही बिलोंग टू विच घराना पंडित राजन मिश्रा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया वो किस घराने से संबंधित थे बनारस ग्वालियर जयपुर और पटियाला राइट right आंसर यहाँ पर क्या कहला जाएगा इस बनारस घराना इसका राइट right आंसर कहला जाएगा रिनोड क्लासिकल सिंगर है पंडित राजन मिश्रा जिनका निधन हो गया 25 अप्रैल 2021 को और ये जो है ना लेजेंड हिंदुस्तानी म्यूजिक के और बिलोंग करते हैं बनारस घराना थे पंडित राजन मिश्रा जो है ना अलोंग विद हिज ब्रदर साजन मिश्रा तो ये आपके जो है ना एक्सपोनेंट है ख्याल गायकी के भारत में बंग द फॉलोइंग जज ऑफ द उत्तराखंड कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाटी कोर्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसे गुवाहाटी ठीक है किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तो श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जस्टिस रविन्द्र सिंह चौहान रमेश रंगनाथन के एम जोसेफ तो इसका राइट आंसर आप देखें श्री जस्टिस सुधांशु धूलिया इसका राइट आंसर कहला जाएगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिन्होंने एक्सरसाइज किया जो मतलब पावर है पावर आर्टिकल नंबर 217 की और इनको अपॉइंट किया है जस्टिस सुधांशु धुलिया जी को जज ऑफ उत्तराखंड कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ठीक ये यह यहां पे हिंदी में गलत लिखा है इट्स नॉट है ना इट्स नॉट गोहत्या ये क्या कहला जाएगा ये कहला जाएगा गुवाहाटी अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग टू प्लेस इन मे 2021 ट्वेंटी वन एज हॉस्टाइल बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन एंटर्ड द सेवेंथ डे वेयर इज द यू एन एस टी हेड क्वार्टर Uh, मई 2021 में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई के सातवें दिन एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक का आयोजन किया गया यूएनएससी का मुख्यालय कहां पर स्थित है जिनेवा न्यूयॉर्क रोम और दुबई तो गाइज राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा राइट आंसर अगर आप यहां पर देखेंगे सो दिस इज व्हाट बी कॉल्ड एज द न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है सत्रह मई 2021 को जो है ना इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कंफ्लिक्ट हुआ था उसके लिए हुई थी और न्यूयॉर्क का सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है और सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की जो छह प्राइमरी ऑर्गन है ना उनमें से एक है सीजन फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द साही लीची वॉज एक्सपोर्टेड टू द यूनाइटेड किंगडम बाई एयर रूट इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन शाही लीची इज अग ऑफ विच स्टेट साही लीची की सीजन की पहली खेप मई 2021 में हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई शाही लीची किस राज्य का जीआई टैग है बिहार गुजरात उत्तर प्रदेश और पंजाब तो गाइस इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा बिहार शाही लीची को जीआई टैग कहां से मिला है सो बिहार और खास करके जो ये फ्रूट है मेन सोर्स कहां का होता है मुजफ्फरपुर बिहार द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड ज्वाइंट कमेटी टू डेल्ब इन टू द एलिगेशन ऑफ द अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द मैकेदातु इन विच स्टेट मई दो हजार इक्कीस में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य में मैकेदातु में, में हो रही अनाधिकृत निर्माण गतिविधि के आरोपों की जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति को नियुक्त किया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश आसाम और कर्नाटका तो जाएगा सही उत्तर अगर आप देखें तो गाइज इसका राइट आंसर कहला जाएगा कर्नाटका राइट इसका राइट आंसर कहला जाएगा सो तो ये जो है ना ये पर्टिकुलर कहां पे स्थित है राइट ये आपका जो है ना कर्नाटका में स्थित है आगे बढ़ते हैं गाइस पूछा गया है आपसे यहां पर इन जून हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम चार्ज एज द डिप्यूटी चीफ ऑफ नवल स्टाफ जून 2021, assume, 2021 में निम्नलिखित में से किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है रवनीत सिंह नागराज अडिगा मुरलीधर सदाशिव पवार और अजय सिंह तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएंगे मिस्टर रवनीत सिंह इसका राइट right आंसर कहला जाएंगे ठीक है रवनीत सिंह और जो रवनीत सिंह है ना तो इनके द्वारा ही ये जो पर्टिकुलर पद है इसे ग्रहण किया गया है इन जून 2021 ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द फर्स्ट ऑफ अ न्यू जनरेशन मटीरियोलॉजिकल सेटेलाइट फेंग्यून फोर जून 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह फेंग्यून फोर बी का पहला प्रक्षेपण किया है जापान चाइना नॉर्थ कोरिया और तो राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा चाइना ठीक है चाइना इसका राइट आंसर कहला जाएगा चाइना ने 3 जून 2021 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था जो फर्स्ट ऑफ न्यू जनरेशन मटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट जिसको फेंग्यून फोर कहा गया राइट प्लान ऑर्बिट में साइंटिस्ट हैड अ न्यू काइंड ऑफ अर्ली ह्यूमन इन विच कंट्री आफ्टर स्टडिंग द पीसेस ऑफ फोज बोन डग अप एट अ साइट यूज बाई अ सीमेंट प्लांट किस देश में एक सीमेंट संयंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली साइट पर खुदाई में मिली जीवाश्म हड्डी के टुकड़े का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की खोज करी है राइट आंसर का यहां पर क्या कहला जाएगा इसराइल इसका सही उत्तर कहला जाएगा ठीक है साइंटिस्ट जो है ना इनके द्वारा डिस्कवर किया गया है अर्ली ह्यूमन इजराइल और जो यहां पे स्टडिंग करते हैं पीस और जो फोजेल्ज बोन है राइट जो कि ड्रग अप हुई थी सीमेंट प्लांट जो सेंट्रल इजराइल है इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द टेस्ट फायरिंग ऑफ अ न्यू मिसाइल ऑफ द अग्नि सीरीज अग्नि प्राइम ऑफ़ द कॉस्ट ऑफ विच स्टेट इन जून 2021 भारत ने जून 2021 में किस राज्य के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जानी जाने वाली अग्नि अग्निश्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र राइट आंसर गाइस यहां पर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा उड़ीसा ठीक है इंडिया ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है टेस्ट फायरिंग जो न्यू मिसाइल है अग्नि सीरीज की जैसे अग्नि प्राइम कहा जाता है ये उड़ीसा के कॉस्ट से 28 जून 2021 को जो है ना सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ठीक है ये जो पर्टिकुलर मतलब मिसाइल है इसकी रेंज कैपेसिटी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में आती है विच स्टेट अनाउंस द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी दो हजार इक्कीस तीस ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन जुलाई दो हजार इक्कीस में निम्न में से विश्व में जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति दो हजार इक्कीस तीस की घोषणा की बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब और मध्य प्रदेश तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर उत्तर जाएगा प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी पॉपुल्डन ग्यारह जुलाई दो हजार इक्कीस विच ऑफ द फॉलोविंग सेट टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज फॉर द अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजेक्शन निम्नलिखित में से कौन अति सुरक्षित लेन के लिए विश्व का पहला अति सुरक्षित आधारित डिजिटल मुद्रा विनिमयन करने के लिए तैयार है पोलका डॉट बिटेयू चैन लिंक और सोलाना तो गाइज इसका राइट आंसर अगर आप देखें तो क्या कहला जाएगा बिटेयू इसका राइट आंसर कहला जाएगा वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज है जो भी अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजेक्शन है उनके लिए Which country has joined है जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा अमेंडमेंट एज एन ऑब्जर्वर कौन सा देश एक पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन में शामिल हो गया है रसिया इंडिया पाकिस्तान और चाइना रसिया इंडिया पाकिस्तान और चाइना कौन शामिल हो गया है यह आपको बताना है तो गाइज राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा इसका सही उत्तर यहां पर कहला जाएगा इंडिया राइट right? इंडिया ने ज्वाइन किया है जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट जेदा अमेंडमेंट जो डी सी ओ सी जे है और ऑब्जर्वर के तौर पर जो है ना इसने ज्वाइन किया है हु रिलीज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निम्नलिखित में प्राइम जो है ना निम्नलिखित में से जो है ना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसे कौन रिलीज करता है यह आपको बताना है तो गाइस जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है अगर हम इसे देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा इसका सही आंसर गाइज अगर हम देखे हैं राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कॉल्ड एज जर्मन वॉच ठीक है यहां पर जो है ना जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है तो ये यह यहां पर जो है ना जारी करता है जर्मन वॉच ठीक है जर्मन वॉच के द्वारा इसे जो है ना तो जारी किया जाता है ठीक है और आई थिंक ये जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर कहला जाएगा जर्मन वॉच है ना इसके बाद गाइज यहां पर आप देखें सो अगला जो यहाँ पर पूछा गया है आपसे द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ द मैरीजुना इज मैरीजुना के उत्पादन और व्यापार को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है कंबोडिया श्रीलंका सीरिया और उरुग्वे कौन सा है जो मैरीजुएना के उत्पादन और व्यापार को बनाने वाला पहला देश है, ठीक है बनाने वाला जो पहला देश है, तो इसे अगर आप देखें तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा जो उस समय के प्रेसिडेंट है जिन्हें जोस म्यूजिका कहा गया राइट और जो इंटरनेशनल नार्कोटिक्स सेंट्रल बोर्ड है ना इसने वार्न किया था राइट इसने जो है ना वार्न किया था कि जो मतलब ये कॉन्ट्रावेंशन है ना तो ये प्रोविजन अगर आप देखो तो इंटरनेशनल ड्रग रि रुगवे लागू ही कर दिया है इसको रिसेंटली न्यूजीलैंड कोरी एंडरसन हैज हिज रिटायरमेंट राइट न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट हु इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा जैसेंडा एर्डन है ना ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है प्रपोजल टू लीव अ ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल विच आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है रविशंकर प्रसाद पीयूष गोयल नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएंगे मिस्टर नितिन गडकरी इसका राइट आंसर कहला जाएंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है नितिन गडकरी जिन्होंने प्रपोज किया है ग्रीन टैक्स राइट ओल्ड व्हीकल पर जो कि पोल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को यूनियन बजट 2021-22 इज द बजट अंडर द मोदी गवर्नमेंट मोदी सरकार के तहत केंद्रीय बजट 2021-22 बजट है पांचवा सातवां नौवा और दसवां कौन सा बजट है राइट तो आंसर right यहां पर क्या कहला जाएगा नाइन्थ बजट कहला जाएगा जो यूनियन बजट दो हजार इक्कीस बजट है अंडर द मोदी गवर्नमेंट और यूनियन बजट दो हजार निर्मला सीतारामन जी के द्वारा लोकसभा में कब फर्स्ट फरवरी 2021 को द इंटरनेशनल ज्यूरी फॉर द फिफ्टी फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज हैज बीन बीन अनाउंस्ड हु एज द चेयरमैन ऑफ द ज्यूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इक्यावनवे संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी की घोषणा की गई किसको जूरी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है प्रसन्ना विथानगे पाब्लो सीजर अबू बकर सकी और प्रिय दर्शन तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएंगे राइट आंसर यहां पर कहला जाएंगे पाब्लो सीजर ठीक है पाब्लो सीजर इसका राइट आंसर कहला जाएंगे जो इंटरनेशनल ज्यूरी है फिफ्टी फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन्होंने अनाउंस किया था और जो पाब्लो सीजर हैं अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं इनका जो नाम है रखा गया है एज द चेयरमैन ऑफ द ज्यूरी ज्यूरी के चेयरमैन के तौर पर हु नेम्ड द पर्सन ऑफ द इयर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है सलमान खान जॉन अब्राहिम ऋतिक रोशन और शाहरुख खान तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएंगे राइट आंसर यहां पर जो है ना कहला जाएंगे जॉन अब्राहिम ठीक है जॉन अब्राहिम अगर आप देखो तो इन्हीं को वो नाम किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल और ये जो जॉन अब्राहमने सेकेंड क्रूज बोट अंडर दिलग्रमेज रिजोविनेशन एंड स्परिचुअल ड्राइव जिसको प्रसाद कहा जाता है स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर को केंद्रीय सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है कानपुर मेरठ लखनऊ और वाराणसी तो राइट आंसर गाइस यहां पे क्या कहला जाएगा इसका राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा वाराणसी वाराणसी कहां पर है उत्तर प्रदेश में इसके द्वारा रिसीव किया गया है सेकंड क्रूज बोट अंडर दिलेज रिजन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव जिसको प्रसाद कहा गया और ये जो स्कीम है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था दो टीयर क्रूज बोट जो है ना ये यहाँ पर गंगा नदी में जो है ना रन की जाती है चौरासी घाट जिसको कहते हैं काशी का द फिफ्थ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम ज्वाइंट मीटिंग वॉज हेल्ड इन पांचवा भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम संयुक्त बैठक में आयोजित की गई थी न्यू दिल्ली मुंबई चेन्नई और बेंगलुरु तो इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा न्यू दिल्ली इसका राइट right आंसर कहला जाएगा ठीक है जो फिफ्थ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम है इसकी जो ज्वाइंट मीटिंग है ये कहां पे न्यू दिल्ली में हुई थी और फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला और जो सुजकी सतोशी है जो एम्बेसडर हैं जापान के राइट इंडिया में इन्होंने जो है ना इस मीटिंग को कोचेयर किया था सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में एक नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की है दिल्ली चेन्नई हैदराबाद और सूरत देखो गाइस सैमसंग हो राइट जैसे अगर अपन मारुती सूचिकी की बात करें तो क्या हुआ था कि जो मारुति है भारत में सबसे पहले जो कार बनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी मारुति के द्वारा की गई थी ठीक है बट मतलब हर व्यक्ति के पास कार हो इसलिए मारुति उद्योग को स्थापित किया गया था सरकार के द्वारा लेकिन लगभग दस साल बीत गए कोई कार जब लॉन्च ना कर पाए कुछ ना हुआ तो इन्होंने जापान की सुजुकी कंपनी से क्या किया टाईअप किया कि मतलब हेल्प के लिए और सुजुकी ने हेल्प तो करी किसके नाम से मारुति सुजुकी नाम यहां पर रख दिया गया है ना तो कारें लॉन्च हुई राइट धीरे धीरे सब कुछ सिस्टम बढ़िया चलता रहा भारत में जो सुजुकी है देखो मारुति का सिर्फ नाम बचा था मारुति का नाम बचा था धीरे धीरे पूरी कंपनी के जो ओनरशिप है ये क्या कर ली सुजुकी के द्वारा अक्वायर कर ली गई और ज्यादा नहीं छप्पन परसेंट है ना और फिर अब देखो अब सुजुकी ने मारुति नाम को भी हटा दिया अब सिर्फ आप देखोगे तो क्या लिखा था सुजुकी है ना हम सोचते हैं कि भैया यह भारतीय कंपनी है जो टॉप सेलिंग कार्स है भारत की वो सुजुकी की आती है और हम ये सोचते हैं कि ये इंडियन कंपनी है राइट बट अगर हम देखें तो वो जैपेज कंपनी है मारुति सुजुकी इज अ जैपानीज कंपनी ठीक है ये जापान की कंपनी है जिसने अभी सुजुकी एरीना और ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कर दिए हैं ठीक है तो सेम चीज यहां पे अगर, अगर अपन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इन्होंने अभी जो है ना एक नवाचार प्रयोगशाला स्थापित कर रहे हैं दिल्ली में राइट और ये प्रमोट करते हैं ज्वाइंट रिसर्च और ट्रेनिंग डोमेन को जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विज़न जो द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 इज अ रिपोर्ट ऑन एयर क्वालिटी रिलीज बाय विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 वायु गुणवत्ता पर किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विस ऑर्गेनाइजेशन आई क्यूर ऑक्सफेम इंस्टीट्यूट यूएनडीपी तो गाइज राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा स्विस ऑर्गेनाइजेशन आई एयर जो है ना तो ये इसका राइट आंसर कहला जाएगा ये जो रिपोर्ट है एयर क्वालिटी रिलीज की जाती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन आई एयर के द्वारा तो यहां पर जो है ना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल द राम टेम्पल एट अयोध्या विल बी कंस्ट्रक्टेड निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंडियन रॉक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हैसल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नागर स्टाइल तो गाइश जो राम मंदिर बनाया जाना है ना वो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया जाना है ठीक है राम मंदिर को नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया जाना है आगे देखें गाइस तो पूछा गया है द एरो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन गैदरिंग प्रीमियर एरो हो गई है ना सो एयरफोर्स स्टेशन ये लंका बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान राइट फिर एयरफोर्स स्टेशन हासीमारा वेस्ट बेंगाल और एयरफोर्स स्टेशन अगरतला त्रिपुरा तो इसका राइट right आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा एयर फोर्स स्टेशन ये लहंका बेंगलुरु राइट वायुसेना स्टेशन ये लहंका बेंगलुरु इसका राइट right आंसर कहला जाएगा और यहां पे अगर आप देखें तो इसी को जो है ना मतलब वो कर दिया गया बंद हु अटेंडेड द नाइन्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑफ अफगानिस्तान इन मार्च 2021 ट्वेंटी वन एट द सन वे इन ताजिकिस्तान मार्च 2021 में किसने हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान के नौवीं मंत्री स्त्री सम्मेलन में भाग लिया नरेंद्र मोदी डॉक्टर एस जयशंकर पीयूष गोयल और नितिन गडकरी तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर इसका जो है ना राइट आंसर कहला जाएंगे आ, इनके द्वारा ही एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान के नौवीं मंत्री स्त्री सम्मेलन में भाग लिया गया था इंडियन ऑयल कारपोरेशन हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियटिव टू एड्रेस द नीड ऑफ द लोकल कम्युनिटी नियर इट्स फ्यूल स्टेशन इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने अपने ईधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई पहल शुरू की है महर सेवा प्रयास और प्रथम तो राइट आंसर right यहां पर क्या कहला जाएगा इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो कहला जाएगा प्रयास ठीक है स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रयास पहल को शुरू किया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क निम्नलिखित में से किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी ने विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूफ ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है रिन्यू पावर टाटा सोलार पावर सुजलॉन रिलायंस सोलार तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा रिन्यू पावर इसका राइट right आंसर कहला जाएगा ठीक है रिन्यू पावर इसका राइट right आंसर कहला जाएगा और गाइज यहां पे आप अगर देखें सो भारतीय अक्षय ऊर्जा ग्लोबल मंच जो है ना कंपनी ने विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है रिन्यू पावर को ठीक है अच्छा यहां पे गाइज अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर रिन्यू पावर कहला जाएगा आगे बढ़ते हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैज डेवलप्ड अ डिवाइस दैट यूसेज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट बाय रेजिंग एन अलार्म इफ द ड्राइवर इज फाउंड स्लीपी एम इज बेस्ड इन विस सिटी मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने एक उपकरण विकसित किया जो ड्राइवर को नींद आने पर अलार्म बजाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है एम सीईम -E -E कहां पर स्थित है एम सी एम ई का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा गाइस हैदराबाद इसका राइट आंसर कहला जाएगा ठीक है इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो हैदराबाद कहला जाएगा हैदराबाद बीस मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसने डेवलप करा है डिवाइस जो यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रिवेंट करता है रोड एक्सीडेंट बाई रेजिंग एंड अलार्म की अगर जो ड्राइवर जो है ना ये सो गया है तो द साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज ट्रांसलेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब इन टू म्यूजिक किस संस्थानों के वैज्ञानिकों ने जाल की संरचना का संगीत में अनुबाद किया है मैसा स्वेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा राइट आंसर कहला जाएगा मैसा स्वेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको एम कहा जाता है तो संस्थानों के वैज्ञानिकों ने जल संरचना की संगीत में अनुवाद किया है तो इसका मैसा स्वेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राइट आंसर कहला जाएगा एम ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइज पूछा गया द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल फिट टू रन डबल स्टैक कंटेनर इज बी बिल्ट इन डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए फिट दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग में बनाई जा रही है मध्य प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान तो गाइस इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट right आंसर यहां पर कहला जाएगा हरियाणा ठीक है हरियाणा इसका राइट right आंसर कहला जाएगा एक किलोमीटर लंबी टनल है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में बिल्ड की गई है राइट अरावली माउंटेन रेंज जो सोहना है हरियाणा में वहां पर अंकुर स्कीम इज लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर विच पर्पज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंकुर योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है एजुकेशन टी प्लांटेशन स्किल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स तो इसका सही उत्तर गाइस आप देखें राइट आंसर कहला जाएगा ट्री प्लांटेशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंकुर योजना को किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है सो ट्री प्लांटेशन इसका राइट right आंसर कहला जाएगा इन मे ट्वेंटी इंजीनियर इन इंडिया मई 2021 में भारत में पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग कौन बनी है गरिमा सिंहता अवनी चतुर्वेदी और शिवानी पालीवाल तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा अश्रिता इसका राइट right आंसर कहला जाएगा ठीक है तो गाइज ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न राइट दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और जाते जाते देखो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा सो अंजलि अंजलि चौहान फॉर एसिंग एंड विनिंग द लाइव कोचिंग बर्थ रूपीज डबल वन ट्रिपल नाइन फिर राहुल विकल ये सारे लोग जीत चुके हैं मास्टर क्लासेस को ठीक है मास्टर क्लासेस के थ्रू इस पर्टिकुलर बैच को जिसे कहा गया डिफेंस लाइव कोचिंग फॉर ग्रेजुएट वन ईयर कोर्स डिफेंस लाइव कोचिंग फॉर ग्रेजुएट फॉर ग्रेजुएट वन ईयर कोर्स गाइजी जो डिफेंस लाइव कोचिंग फॉर ग्रेजुएट वन ईयर कोर्स है तो यहां पर आप देखें ये डिफेंस के सारे एग्जाम को कवर करता है ठीक है डिफेंस के ऑल एग्जाम को कवर करता है सारे के सारे एग्जाम को ये डिफेंस के कवर अप करता है ठीक अच्छा ये 360 डिग्री एग्जाम प्रिपरेशन यानी कि आपको यहाँ पर 500 प्लस इंटरक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं 10,000 प्लस हैंड पिक्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं 100 प्लस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट मिलते हैं और 100 प्लस आपको डिटेल पीडीएफ नोट मिलते हैं डाउट सॉल्विंग विद इन वन आवर यू गाइज कैन मेक यूर पर्सनल नोट्स और गाइज यहाँ पे आप आर ए आर ए टू जीरो कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट भी गेन कर सकते हैं ठीक है बीस परसेंट का डिस्काउंट भी आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिल जाएगा तो गाइज अगर हम मास्टर क्लासेस की बात करें तो जो मेरी मास्टर क्लासेस है ना वो एक होती है सबसे पहले दो बजे राइट टू पीएम पर तो दो बजे वाली जो मास्टर क्लास है इस पर मैं आपको करवा रहा हूं करंट अफेयर ठीक है इस पर मैं आपको करवा रहा हूं करंट अफेयर और ये जो करेंट अफेयर है ना तो करंट अफेयर मैं आपको ईयरली करवा रहा हूँ ठीक है इयरली करंट अफेयर करवा रहा हूं और गई जो ये इयरली करंट अफेयर है ना तो इसे अगर आपने पढ़ लिया तो अपकमिंग सारे एग्जाम्स में जो है ना ये आपको बेनिफिट करेगा फिर इसके बाद आप देखे थ्री पी एम तीन बजे जो है ना हमारी मास्टर क्लास होती है ऑन डिफेंस ठीक है डिफेंस की मास्टर क्लास होती है और यहाँ पर जो है ना गाइस यहां पे आपको मौका मिलता है डिफेंस का जो बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जीतने का ठीक है ये एक टाइप की क्विज होती है ठीक फिर 3 पीएम के बाद जो है ना गाइज आगे देखें सो यहां पर नेक्स्ट जो आती है वो 8:30 पीएम 8:30 पीएम और 8:30 पीएम में जो मास्टर क्लास है तो गाइज ये होती है हमारी जीके की जीके का कुरुक्षेत्र यहां पर आपको मौका मिलता है एसएससी का बैच जीतने का एसएससी लाइफ सी लाइव कोचिंग फॉर वन ईयर बैच जीतने का इस पर्टिकुलर क्वेज में ठीक तो गाइज अभी के सेशन में इतना ही सी इन द नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं अगली क्लास में देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे